Students, today we are going to do few more questions from the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. Before starting the chapter, I would like to repeat some basic concepts which I taught you in the last class. Last class में आपको बताया था कि profit and loss appropriation account हम बनाते हैं और profit and loss appropriation account में credit side पे सबसे पहले हम profit and loss account से जो amount आता है that is called net profit हम उसको लिखते हैं और ये जो net profit हमारा पास दिया होता है इस नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज पर रिटन एग्रीमेंट. और जितना भी हमने क्वेश्चंस किए थे उन सब क्वेश्चंस के अंदर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट था. आई एम सेइंग वर्ड सफिशिएंट प्रॉफिट था. जब हम उसको क्लोज करते हैं तो डेबिट साइड पे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचती है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. और वो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था. लेकिन आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो थोड़े अलग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, टिपिकल क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी है. नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. जैसे वो कॉन्सेप्ट आएगा आई विल टीच यू. क्वेश्चन इज अजय एंड विजय आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. दो पार्टनर्स हैं उन दोनों के आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इज 3:2. दैट मींस अजय को जो प्रॉफिट मिलेगा दैट विल बी 3/5 और विजय को 2/5. अजय इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स 20 लाख एज इज कैपिटल. अजय ने 20 लाख रुपीज अपनी फर्म में इन्वेस्ट करके हैं एंड विजय इज अ वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म. नाउ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स मीन्स पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट है. सो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8% पर एनम. दोनों पार्टनर्स को 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा. सिंस इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अजय ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ अजय को मिलेगा एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट अ रेट ऑफ रुपीज 8,000 पर मंथ. जो वर्किंग पार्टनर है उसको 8,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी. डैट मीन दो पार्टनर्स हैं, एक वर्किंग एक नॉन वर्किंग है. एक ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और एक जो है बिजनेस को रन कर रहा है. नाउ आगे आपको लिखा हुआ है बिफोर प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 80,000. बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स अभी जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है इस प्रॉफिट में से अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर सैलरी माइनस नहीं की है और वो ऑब्वियस होती भी नहीं है क्योंकि वो हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं. तो इस सेंटेंस से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. आगे आपको लिखा है बेटा शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है. नाउ इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं. सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अजय है, अजय ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है. कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, रुपीज 20,000 उसकी कैपिटल है. और विजय जो है बड़ा वो वर्किंग पार्टनर है. अजय वॉज अ नॉन वर्किंग पार्टनर और विजय इज अ वर्किंग पार्टनर और उसको सैलरी मिल रही है 8,000 पर मंथ गिवन है. तो डैट मीन्स हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना है. नाउ द क्वेश्चन इज जब आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे इसकी कैलकुलेशन पार्ट करोगे तो वॉट यू विल ऑब्जर्व कि फर्म का जो प्रॉफिट है डैट इज वॉट 80,000 लेकिन पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी है वो दोनों अमाउंट जो है वो इस प्रॉफिट से ज्यादा है. दैट मीन्स ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर फर्म के पास सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है कि वो पार्टनर्स के एक्सपेंसेस को वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर सके. अगर इस तरह से होगा तो आपने अगर ये क्वेश्चन आया तो आपने किस तरह से करना है, लेट्स डू द कैलकुलेशन. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ एक ही पार्टनर को मिलना है, सिर्फ अजय को मिलेगा बेटा. और कैपिटल उसकी 20 लाख है, रुपीज 20 लाख. एंड एज पर द पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट है 8% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा. तो 8% कितना है बेटा, अगर हमने इसको 8% कैलकुलेट किया डैट इज 1,60,000. अगर मैं सैलरी की बात करता हूं, सैलरी सिर्फ विजय को मिलेगी और वो सैलरी कितनी है, 8,000 है पर मंथ है, इसलिए मल्टीप्लाई 12 करेंगे. मल्टीप्लाई 12 किया तो आंसर कितना है बड़ा, 96,000.
और इन दोनों एक्सपेंसेस को जब मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास आता है 256,000। अब चेक करो क्वेश्चन के अंदर आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दिस प्रॉफिट लॉस मींस जो नेट प्रॉफिट हमारा पास आया प्रॉफिट लॉस अकाउंट से वही है। हमारे पास प्रॉफिट कितना गिवन है, 80,000 गिवन है, मगर इस केस के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं वो 80,000 से बहुत ज्यादा है। तो इस केस के अंदर हमने जो अकाउंट का नाम है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में समझाया था, इट मींस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जितना पैसा फर्म के पास है उतना ही पैसा फर्म पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो इस केस में अगर फर्म के पास 80,000 है तो फर्म 80,000 से ज्यादा पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। नाउ एक्सपेंसेस आपको कितने गिवन है, 1,60,000 और 96,000। अब फर्म किसको कितना कितना दे, फर्म 80,000 जो है वो इन दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगी बेटा, वर्ड है प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसका मतलब यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय को 1,60,000 नहीं मिलेगा और सैलरी उसको 96 नहीं मिलेगी, ये 80,000 किसी एक पार्टनर को नहीं मिलेगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या है, मेथड क्या है, आप जरा इधर देखो। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो किसको मिलेगी, अजय को मिलेगी। तो लिखने का तरीका क्या है, उसकी कैपिटल थी कितनी, 1,60,000, राइट 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय जितना फर्म का प्रॉफिट है, जो भी आपको गिवन प्रॉफिट है वो लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस। ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपने हमेशा क्या करना है, जितना भी पैसा पार्टनर को मिलना चाहिए वो पैसा मल्टीप्लाई बाय जितना गिवन प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय बेटा टोटल एक्सपेंस। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 1,60,000 इंटू 80,000 डिवाइड बाय 2,56,000, इसको बेटा पूरा सॉल्व करोगे आंसर आपके पास आएगा 50,000। डैट मीन्स अजय को 50,000 मिलेगा और सैलरी की जहाँ तक बात है जो सैलरी विजय को मिलेगी, विजय को सैलरी किस तरह से मिलेगी, वो भी प्रोपोर्शनली डिवाइड होगी। किस तरह से, सेम जैसे इस तरह में हुआ था, सैलरी विजय को कितनी मिलनी चाहिए थी, 96,000, तो हमने यहां लिख दिया मल्टीप्लाई बाय जो फर्म का प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस इज 2,56,000। इसको बेटा मैंने सॉल्व किया, इस पूरे को सॉल्व करोगे यू विल गेट 30,000। तो आप चेक कर सकते हो 50 + 30 कितना आ गया, 80,000। फर्म 80,000 इस तरह से प्रोपोर्शनली पैसा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू अजेस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC लिख रहा हूं मैं, उसको कितना पैसा मिलेगा 50,000, एंड टू विजेस कैपिटल अकाउंट उसको सैलरी मिल रही है और सैलरी कितनी मिलेगी उसको, 30,000 मिलेगी। तो इस तरह से फर्म ने पार्टनर्स में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको क्लोज करो, ये कितना 80,000, इसको क्लोज करो ये भी कितना आ गया बेटा 80,000। नाउ सिंस, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, वो चीज़ आप ध्यान दो, सिंस फर्म के पास प्रॉफिट था, डेफिनेटली प्रॉफिट था, मगर प्रॉफिट था 80,000, इनसफिशियंट प्रॉफिट, मैं वर्ड इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट कम है और एक्सपेंसेस क्या है ज़्यादा, माना एग्रीमेंट है फर्म को पैसा देना है, लेकिन दिस अकाउंट मीन्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जितना पैसा है फर्म उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, चाहे वो पार्टनरशिप डीड में क्यों ना लिखा हो। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था हमें देना है तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस क्वेश्चन इज ओवर, लेकिन मैंने आपको एक चीज समझानी है जो भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर यह लिखा होता कि इफ एनी एक्सपेंस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आई एम यूजिंग द वर्ड बेटा, मैंने भी आपको बताया कि फर्म के पास 80,000 प्रॉफिट है, 80,000 प्रॉफिट से ज्यादा फर्म जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में, आगे मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं जिस क्वेश्चन में लिखा होगा डेट एक्सपेंसेस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहीं नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ,
तो जिस क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्ड आपको लिखा होगा, इट मींस उस केस के अंदर, दैट विल बी अनदर स्पेशल केस, उस केस के अंदर फर्म को एक्सपेंसेस पे करने ही करने हैं, बियर करने ही करने हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। सिंस इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लिखा था, तो इसलिए फर्म के पास जितना पैसा था मैक्सिमम उतना पैसा ही फर्म ने पार्टनर्स में प्रोपोर्शनली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्वेश्चन अभी मैं आगे करा रहा हूं, वो अभी आपको और अच्छी तरह से आगे क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो लास्ट क्वेश्चन कराया, मैंने उसमें आपको बताया कि जितना मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट जितना भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, नेट प्रॉफिट जो भी आपको गिवन है, उतना पार्टनर्स में फर्म क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, अनलेस किसी क्वेश्चन में ही लिखा हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें लिखा होगा, मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नाउ लुक हियर, अतुल एंड भास्कर आर द पार्टनर्स, रेशियो गिवन है आपको 2:3, दैट मीन्स जो अतुल को प्रॉफिट या लॉस होगा वो 2/5 और भास्कर को बेटा 3/5। नाउ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 4 लाख एंड 2 लाख, अतुल ने 4 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया और भास्कर ने 2 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया। नाउ इंटरेस्ट ऑन इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको गिवन है, दैट इज 6% पर एनम। बिफोर प्रॉफिट बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 30,000। तो ऑब्वियस है, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था, जो प्रॉफिट जो होता है दैट इज ऑलवेज बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही होना चाहिए, या कोई भी पार्टनर एक्सपेंस जो हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। आगे आपको लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। यहां पे आ जाओ बेटा, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। ये इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इस सेंटेंस ने बेटा पूरा क्वेश्चन ही चेंज करके रख दिया। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज मीन्स, अब इस केस के अंदर फर्म को जो एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बियर करना ही करना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल है, अतुल की कैपिटल गिवन आपको 4 लाख रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। तो 6 फोर कितना है बेटा 24,000। एंड भास्कर, भास्कर ने भी इन्वेस्ट कर रखा, भास्कर की कैपिटल है 2 लाख रुपीज इंटू 6% है, 6/100 कैलकुलेट किया तो दिस इज 12,000। तो इस केस में जैसे मैं बता रहा था, सिंस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इफ चार्ज, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट मीन्स हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। नाउ इस केस के अंदर प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, तो यहाँ पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर 30,000। यहां पर हमने 30,000 लिखा और यहां क्या लिखेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं चेक करूं इन दोनों को, अगर मैं प्लस करता हूं तो आंसर आता है 36,000। तो प्रॉफिट फर्म के पास कितना है 30,000 और एक्सपेंसेस कितने हैं 36,000। सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है फर्म के पास कि वह पार्टनर के एक्सपेंसेस को बियर कर सके, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये बियर करना ही करना है, पार्टनर्स को 36,000 पे करने ही करने हैं, क्योंकि वर्ड लिखा हुआ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे लिखो अतुल्स कैपिटल अकाउंट, अतुल को कितनी मिल रही है 24,000 एंड हेयर इट इज भास्कर्स,
कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए उसको, 12,000 प्लस किया कितना आया 36,000। इस केस में जब क्लोज करोगे इस बार इधर बैलेंसिंग फिगर बच रही है, तो बड़ा अमाउंट इधर है, तो इधर पहले मैं लिखूंगा 36,000। हेयर आई विल राइट 36,000, 36,000 में 30,000 चला गया, व्हाट इज लेफ्ट 6,000, और इस बार बैलेंसिंग फिगर इधर आई है, और अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आई है दैट इज कॉल्ड लॉस। ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर लॉस है, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मैंने बताया था लॉस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर एक्सपेंसेस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो फर्म को एक्सपेंसेस बियर करने हैं, और बैलेंसिंग फिगर इस बार इधर बचेगी इस केस के अंदर, एंड दैट विल बी कॉल्ड लॉस। और ये लॉस भी अतुल और भास्कर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अतुल्स कैपिटल अकाउंट एंड भास्कर्स कैपिटल अकाउंट, ये 6,000 जो लॉस है वो इसी रेशियो में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट मीन्स लॉस की अगर मैं बात करूं, अतुल को कितना लॉस बियर करना है, 6,000 है मल्टीप्लाई 2:3 की रेशियो है, दैट मीन्स 2/5 बेटा सॉल्व किया इसको, 5 से डिवाइड करो मल्टीप्लाई बाई 2 करो, दैट विल बी 2400। और भास्कर की जहां तक बात है, भास्कर का लॉस है 6,000, मतलब 6,000 पूरा फर्म का लॉस है, और भास्कर कितना बियर करेगा 3/5 कितना है 3600। तो जो रेशियो है प्रॉफिट होता तो भी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस होगा तो भी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो यहां पे अमाउंट लिखा हमने 2400, और यहां पे हमने अमाउंट लिखा 3600। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, मैं बार बार आपको बता रहा हूं इस वर्ड के ऊपर मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आपको याद हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो दूसरे एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पार्टनर्स रेंट, या फिर पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर मैनेजर कमीशन, ऑल दीज आर, वो एडवांस में मैं बताया वो तो पक्की बात है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते ही होते हैं, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, वी नो। ये तीनों के तीनों जो हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, पार्टनर्स रेंट, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर कमीशन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो उसका मतलब जब भी हमें नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखना है उन्हें तो एडवांस में हमेशा माइनस करना ही करना है, डेफिनेटली माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर अगर आपको गिवन है इंटरेस्ट, कोई भी एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसकी बड़ा कैलकुलेशन इस तरह से होगी। ना स्टूडेंट, दिस इज अनदर क्वेश्चन, और जैसे आज मैं इंपॉर्टेंट और टिपिकल क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समथिंग स्पेशल डिफरेंट इन इट। क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April 2019 विद कैपिटल्स 5 लाख ईच, दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है फर्म के अंदर 5 लाख रुपीज़ है, एक्स ने भी 5 लाख इन्वेस्ट किया और वाई ने भी 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं। As per the partnership deed, both X and Y are to get monthly salary of ₹10,000 each. दोनों partners को salary मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए 10,000 each दोनों partners को, and interest on capital is 50,000 each. दोनों partners की जो interest on capital वो भी आपको advance में calculate करके दी हुई है, that is 50,000 each. Interest on drawing जो है that is 3,000, 5,000. ये interest on drawing जो है ये partners जो है firm को pay करेंगे। अगर मैं ऊपर रीड करता हूं, मैं यहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मंथली सैलरी फर्म पार्टनर्स को पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता हूं ये भी फर्म पार्टनर्स को पे करेगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स फर्म को पे करते हैं, इसका मतलब पैसा आ रहा है और ये पैसा फर्म से जा रहा है। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखो, ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इनकर्ड अ लॉस 2 लाख, ये क्वेश्चन के अंदर Why I'm saying this is another important and typical question, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट नहीं है, ये पहला क्वेश्चन करें जिसके अंदर फर्म को ऑलरेडी पहले से ही लॉस है। अगर फर्म को ऑलरेडी पहले से लॉस है तो सबसे पहले क्वेश्चन ये माइंड में पुट पता बच्चों का, क्या अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? बिल्कुल बनेगा। अगर लॉस है, पार्टनर्स अगर प्रॉफिट के हकदार हैं तो पार्टनर्स लॉस के भी तो हकदार हैं, लॉस भी तो मिलेगा, मगर डिफरेंस क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा?
अगर फर्म को ऑलरेडी लॉसेस हैं तो रिमेंबर वन थिंग, किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फर्म ऑलरेडी अगर लॉसेस में है तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कहां से करेगी? कर ही नहीं सकती, क्योंकि हम बना रहे हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगेन आई एम टेलिंग यू, एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। फर्म के पास अगर प्रॉफिट होता तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती ना, तो उसको बांटती फर्म पार्टनर्स के बीच में। लेकिन अगर फर्म ऑलरेडी लॉसेस में है तो पैसा कैसे बांटेगी? तो इस बार कोई भी एक्सपेंस, चाहे वो सैलरी है चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई भी एक्सपेंस फर्म बियर नहीं करेगी। इन शॉर्ट, कोई भी पैसा फर्म पार्टनर्स को पे नहीं करेगी। मगर यस, पार्टनर से पैसा जरूर ले सकती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब है जो पैसा पार्टनर्स फर्म को पे करेगी, पार्टनर्स फर्म को पैसा जो पे करेंगे, बेटा पार्टनर पैसा ले तो सकती है लेकिन फर्म पैसा पार्टनर्स को दे नहीं सकती, क्योंकि फर्म ऑलरेडी पहले से ही लॉसेस में जा रही है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स डू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया बेटा आपको लॉस गिवन है। अगर आपको लॉस गिवन है तो वी विल राइट दिस साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लिखोगे ऑब्वियसली पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, और ब्रैकेट में इस बार आप लिखोगे नेट लॉस, एंड दैट नेट लॉस इज गिवन टू यू ₹2,00,000। नाउ मैंने अभी आपको समझाया, सिंस फर्म को लॉस हो रहा है तो फर्म किसी भी पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी तरह का, चाहे और भी क्यों ना एक्सपेंस दिया होता, कमीशन भी दी होती, कुछ भी दिया होता, किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस फर्म पार्टनर्स को पे नहीं करेगी। यस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो पैसा पार्टनर्स फर्म को पे करते हैं और वो पैसा फर्म जरूर लेगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां पे आपको लिखा हुआ एक्स कैपिटल अकाउंट। आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना गिवन है? 3000 ये एक्स का अमाउंट है। वाई कैपिटल अकाउंट, वाई का अमाउंट कितना गिवन है? 5000। दोनों को प्लस किया कितना आया? 8000 आया। अब इसको क्लोज करोगे तो क्लोज करने के बाद फर्म का लॉस था ₹2,00,000, मगर यस 8000 रुपीज पार्टनर से रिकवर हो गए। तो 2,00,000 में से 8000 माइनस करने के बाद अब फर्म का लॉस कितना रह गया? 1,92,000। और ये 1,92,000 लॉस है, और ये लॉस कौन बियर करेंगे? एक्स एंड वाई। दिस इज अ लॉस, सो एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। सिंस इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो आपको नहीं गिवन, तो किसी क्वेश्चन में अगर रेशियो आपको नहीं गिवन होती तो पार्टनर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वली, इक्वली मींस एक्स और वाई 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट या लॉसेस को जो भी गिवन है वो बियर गिवन बियर करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर लॉसेस हैं, तो डैट मीन्स 1,92,000 इंटू 1/2, मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 96,000। डैट मीन्स एक्स भी बियर करेगा 96,000 और वाई भी बेयर करेगा 96,000। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद इस क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है द पास जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो मैंने बना लिया। नाउ आई एम गोइंग टू डू जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट सम जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको सबसे पहली बात है, क्वेश्चन में गिवन था अकाउंट क्लोज हो रहा है 2020 एंड डेट इज गिवन 31st मार्च, तो आप डेट लिखोगे जो भी आपको डेट गिवन है। ना इस क्वेश्चन के अंदर लॉस था, लॉस मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे। तो इन दिस केस जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अमाउंट आपको कितना गिवन है? 2,00,000 था जो लॉस था, और यहाँ भी हमने कितना लिखा बेटा? 2,00,000। सबसे पहले जो लॉस था प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। तो नरेशन ही वही है, ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस फ्रॉम प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ नेक्स्ट, डेट बेटा वो सेम रहेगी 31st मार्च। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो था फर्म ने पार्टनर से लिया था, तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले एंट्री होगी बेटा एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट है, ये डेबिट है,
2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूं, लास्ट क्लास में मैंने किया था, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। 3000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसकी 5000 बेटा, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आया 8000। तो नरेशन आप लिखोगे इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग। नाउ ये एंट्री भी कैसी है पहले वो भी देख लो। जो ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब पार्टनर्स पे कर रहे हैं, जब पार्टनर्स पे कर रहे हैं तो उनकी कैपिटल बेटा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और डिक्रीज इन कैपिटल, ये 11th क्लास में आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पांच कॉन्सेप्ट से बेटा, ये पांच कॉन्सेप्ट, एसेट्स, एक्सपेंस, ओनर्स कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। एसेट्स और एक्सपेंस ये दोनों बेटा इंक्रीज करते हैं तो डेबिट साइड जाते हैं, डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट साइड जाते हैं। ओनर्स कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो क्रेडिट साइड जाता है, डिक्रीज करता है तो डेबिट साइड जाता है। तो नाउ इन दिस केस सिंस पार्टनर्स आर पेइंग तो उनकी कैपिटल बेटा डिक्रीज कर रही है, दैट्स व्हाई इट गोज टू डेबिट साइड। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो फर्म को मिल रही है, फर्म को मिल रही है तो फर्म के लिए बेटा उनकी रेवेन्यू है, फर्म के लिए रेवेन्यू है तो इंक्रीज इन रेवेन्यू गोज टू क्रेडिट साइड। वो बेसिक कॉन्सेप्ट 11th के ही है अगर हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो। नाउ नेक्स्ट 31st मार्च अगेन बेटा, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था अब ये चार्ज होगा, लिखेंगे बेटा ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो विल राइट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नाउ अमाउंट कितना गिवन है 8000, तो 8000 डेबिट में, 8000 क्रेडिट में। नरेशन क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बीइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ नेक्स्ट एंट्री, लॉस हुआ था पार्टनर्स को, और जो लॉस हुआ था तो एंट्री क्या बनती है बेटा, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, अगेन एक्स और वाई की कैपिटल जो बेटा डेबिट होगी क्योंकि लॉस हुआ है तो डिक्रीजिंग कैपिटल होता है। सो डेबिट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, और एक्स का जो लॉस था और वाई का लॉस था बड़ा इक्वल था क्योंकि रेशियो नहीं गिवन थी, तो हमने लॉस जो था दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। एंड दिस इज 1,92,000। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नाउ देयर आर टू वेज टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, इन विच वी मेक टू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स एंड बी करंट अकाउंट एंड अनदर मेथड इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। इसके अंदर स्टूडेंट बेटा हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। नाउ बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दीज टू। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मींस फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द फर्म रिमेन्स फिक्स और अनऑल्टर्ड अनलेस अ पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन आउट ऑफ हिज और हर कैपिटल। नाउ मैं अभी फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ। फिक्स कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो हमेशा फिक्स रहती है, अनऑल्टर्ड, वो कभी चेंज नहीं होती है, अनलेस कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे मतलब और पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे या फिर अपनी कैपिटल को वो विड्रॉ करे, यानी कि जो पैसा उसका बिजनेस में लगा हुआ है उस पैसे को, फर्म से पैसे को निकाले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रॉइंग, ड्रॉइंग इन समथिंग एल्स, आई एम सेइंग विड्रॉन आउट ऑफ हिज कैपिटल।
तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो पार्टनर्स की कैपिटल बेटा वो ऑलवेज हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, अनलेस एडिशनल कैपिटल हो या फिर कैपिटल क्या हो, विड्रॉन। और इसके अंदर दो मेथड्स बनते हैं, जो कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल का अमाउंट रिकॉर्ड होता है, कैपिटल का अमाउंट रिकॉर्ड होता है, दैट मीन्स उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, बाकी सारी जो ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। बाकी सारी ट्रांजेक्शन का मतलब है फॉर एग्जाम्पल उसकी ड्राइंग, उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, पार्टनर की सैलरी मिली, पार्टनर की कमीशन मिली, ऑल अदर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। ना ये भी आपको समझा भी रहा हूँ, बना के भी दिखा रहा हूँ किस तरह से बनता है। अनदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, नाम ही बेटा एकदम क्लियर है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या आ गया, इसमें जो कैपिटल फिक्स नहीं रहती, हर साल फ्लक्चुएट होती रहती है, इसमें एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, और जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर कोई पैसा इंट्रोड्यूस करेगा तो भी कैपिटल अकाउंट में लिखना है, कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करेगा वो भी इसी अकाउंट में लिखना है, किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या ड्रॉइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हो रही है, वो सारे का सारा एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे हर साल जो कैपिटल एक्चुअल जो उसकी इन्वेस्टमेंट है डैट ऑलवेज यहाँ पे हमें उसकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पता लगती है, और सारी ट्रांजेक्शन जो होती है इसमें रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें उसकी कैपिटल प्लस अदर ट्रांजेक्शन ऑल आर रिकॉर्डेड अंडर वन हेड, डैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट जैसे मैंने अभी आपको समझाया, फिक्स कैपिटल अकाउंट में पहला जो मेथड है डैट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट बनता है और करंट अकाउंट बनता है। नाउ दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, और मैंने ज्यूम किया है यहाँ पे डेट पर्टिकुलर, डेट अगर आपको गिवन है तो आपको लिखनी है डेट पर्टिकुलर, अमाउंट अमाउंट, यहाँ पे बेटा ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, दैट मीन दिस इज ए कैपिटल अकाउंट, दिस इज बी इज कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड ए और बी की है, डेट पर्टिकुलर ए बी, ये क्रेडिट साइड ए की है, ये बी की है। सिमिलरली ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का है, करंट अकाउंट है, ये ए का करंट अकाउंट है, ये बी का डेबिट साइड, और ये ए और बी की क्रेडिट साइड। इस क्वेश्चन इस टाइप ऑफ कैपिटल में क्या क्या पॉसिबल है आपको बता रहा हूँ। आपको हमेशा कैपिटल आपको गिवन होगी तो यहां से आपने स्टार्ट करना है बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो भी बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा, जो तो ए का अमाउंट होगा वो ए में लिखोगे, जो बी का अमाउंट होगा बेटा वो बी में लिखोगे। सबसे पहले ये तो आपको गिवन ही होगा, ब्रॉड डाउन ऑफ ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। इसके बाद मैंने बताया ये कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट कब चेंज होता है, सिर्फ दो ही केसेस में चेंज होता है, जब कोई नया जब भी कोई पार्टनर और पैसा इंट्रोड्यूस करे, एडिशनल पैसा और पैसा इन्वेस्ट करे फर्म के अंदर, या फिर जो अपनी कैपिटल है उसको विड्रॉ करे, उसको डिक्रीज करे। इन दो केसेस के अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट कुछ भी नहीं आता, सिर्फ दो ही पॉसिबल चीज़ें हैं। सो यहाँ पे जब पार्टनर कोई पैसा और इंट्रोड्यूस करेगा तो विल राइट बाय कैश, वी कैन राइट बाय कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट, वो कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा एडिशनल कैपिटल, ब्रैकेट में लिखा एडिशनल कैपिटल, ये तभी पॉसिबल है, यहां पे प्लस तभी होगा, प्लस होने का मतलब उसकी कैपिटल तभी इंक्रीज करेगी, डिपेंड करता है दोनों ने किया तो दोनों में अमाउंट लिखेंगे, एक ने किया तो एक में करेंगे। यहां पर हम तब लिखते हैं जब उनकी कैपिटल इंक्रीज करते हैं, जब और पैसा वो बिजनेस में लगाता है। यहां पे बेटा हम तब लिखते हैं कैश अकाउंट अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, तो यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं बेटा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल लिख रहा हूं मैं वर्ड, आपके माइंड में बहुत स्टूडेंट के माइंड में बेटा होता है ड्रॉइंग का मतलब होता है कि हमने पैसा निकाल लिया, फर्म से पैसा निकाल लिया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दो तरह की ड्राइंग होती है, एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। यहां पे जो हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं दैट इज अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट कैपिटल मींस उसने जो पैसा निकाला अपने प्रॉफिट में से पैसा नहीं निकाला, उसने जो पैसा निकाला अपनी इन्वेस्टमेंट में से पैसा निकाला, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो अब डिक्रीज कर गई है। तो यहां पे हम लिखेंगे अगर ए का गिवन है तो ए में, बी का गिवन है तो बी में, दोनों का गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्लोज करोगे आप, इसका टोटल इसका टोटल, इसमें से इसको माइनस करोगे, यू विल गेट बैलेंस कैरी डाउन यहां पे और यहां पे अमाउंट आया,
This balance carried on means balancing figure. Or I can say closing capital. जो भी पार्टनर की आपको जिस भी डेट को बात कर रहा हूँ, जिस भी डेट को हम उसकी कैपिटल अकाउंट बनाए उस डेट की ये क्लोजिंग कैपिटल है तो भी गलत नहीं होगा अगर इसको मैं ये बोलूँ तो. सो दिस इज अ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अ पार्टनर ऑन डैट पर्टिकुलर डेट जिस दिन हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज टू, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना या कैपिटल को विड्रॉ करना, अपार्ट फ्रॉम दीज टू ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट. अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी पॉसिबल है कि अगर डेट गिवन है तो बेटा आपको लिखनी है, अदरवाइज छोड़ दो. सबसे पहले बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी आपको गिवन है यहाँ लिखोगे. अब यहाँ पे पॉसिबल है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको इधर भी दिया हो सकता है या फिर इधर भी दिया हो सकता है. क्लियर है? यहां पे दिया होगा इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, याद रखना बेटा, इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस. अगर क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो इधर लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे इन केस ऑफ डेबिट. सो यहां पे लिखा है बेटा डेबिट. डेबिट ओपनिंग बैलेंस अगर दिया हो तो इस केस में यहां लिखूंगा. तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली लिखा होगा कि वो क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है. नाउ वो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने के बाद जितना भी पैसा पार्टनर को मिला वी विल राइट हियर. अगर मान लो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो वी विल राइट हियर. किसी पार्टनर को कमीशन मिली है, नाउ एज्यूम कर रहा हूं बेटा दोनों को मिली है तो इसलिए मैं दोनों में लिख रहा हूं, लेकिन अदरवाइज जिस भी क्वेश्चन आपको जो भी दिया हुआ जिस पार्टनर को मिल रही है सब उसी अकाउंट में जाएगा. किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो हम रिकॉर्ड करेंगे. इसके अलावा जो हमने इससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा वो प्रॉफिट भी यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और सिंस वो आ रहा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो विल राइट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में लिख सकते हो बड़ा प्रॉफिट हमने यहां लिख दिया. यहां पे क्या आएगा? ब्रॉट डाउन तो आएगा अगर डेबिट बैलेंस आपको दिया हो. अपार्ट फ्रॉम दिस ड्रॉइंग, अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट, नाउ एकदम क्लियरली बेटा यहां पे लिख भी देता हूं, हेयर ड्रॉइंग मींस ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट. देयर आर ऑलवेज टू काइंड्स ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल वो ऊपर जाता है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट जो प्रॉफिट में से मैंने पैसा निकाला दैट गोज ओवर हियर. नाउ इसके अलावा अगर किसी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, चार्ज हुआ है तो यहां पे जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. या फिर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस आया, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किए थे, अगर लॉस आया तो वो भी पार्टनर्स बियर करेंगे, प्रॉफिट आएगा तो इधर लिखेंगे. और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस आया इन दैट केस विल राइट ओवर हियर. अब इसको क्लोज करोगे तो जितना अमाउंट मैंने इसका टोटल किया ये अमाउंट मैंने यहां लिखा, उसमें से एक दो तीन चार जितने भी अमाउंट से लिखे सबको माइनस करेंगे. माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा दैट इज कॉल्ड बैलेंस कैरेट डाउन. दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर. सिमिलरली बी, बी का बेटा यहाँ पे टोटल करूंगा मैं, जो टोटल आया मैं यहाँ लिखूंगा, उसमें से सारा अमाउंट माइनस करूंगा तो यहाँ पे जो बेटा ये जो मैं प्लस लिखा दैट मीन्स द बैलेंसिंग फिगर. दिस इज अ केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट. मैंने आपको बताया बेटा फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है. कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट या क्रेडिट साइड में तभी हम लिखेंगे जब कोई पार्टनर या तो पैसा इंट्रोड्यूस करे और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करे या फिर पैसा बिजनेस से विड्रॉ करे. अपार्ट फ्रॉम दीज टू ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट मैंने आपको बताया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और इसके अंदर एक ही अकाउंट बनता है बेटा. ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अंडर वन हेड. तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन. और बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा इस केस के अंदर मान लो आपको दो पार्टनर्स गिवन है ए और बी, तो दोनों
इसमें एक ही है स्टूडेंट्स. अब आप देखो बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड. ये डेट है, डेट बेटा आपको तब लिखनी है अगर इनकेस क्वेश्चन में आपको गिवन होगी तो. दिस इज पर्टिकुलर, ये ए का अमाउंट है, ये बी है, ए और बी की बेटा डेबिट साइड है और ये बी की क्रेडिट साइड है. ना मैंने जैसे मैंने बताया सबसे पहला क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे, डेट तो हमें लिखेंगे अगर गिवन होगी तो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो भी बैलेंस आपको ब्रॉट डाउन गिवन होगा सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे. और इन केस ऑफ ओपनिंग, इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस बेटा ये याद रखना, यहाँ भी आपको वही सेम कॉन्सेप्ट है. इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, नाउ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से कैसे होता है. जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियरली लिखा होगा कि क्रेडिट ओपनिंग जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट है या डेबिट है. और अगर इनकेस डेबिट हुआ, इन दैट केस वी राइट हियर बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस डेबिट हुआ तो इधर लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हुआ तो इधर लिखेंगे. नाउ लास्ट मैंने अभी आपको समझाया था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. जो कैपिटल होती है वो सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, बाकी सारी ट्रांजैक्शंस मैंने बताया था वो करंट अकाउंट में लिखते हैं. मगर इसके अंदर करंट अकाउंट की और कैपिटल अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शन इसी में रिकॉर्ड होगी. तो अगर कोई पार्टनर पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है तो यहां पे लिखेंगे कैश बाय कैश, या बैंक भी लिख सकते हैं. अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, मैं इस बार शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एडिशनल कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे. और यहाँ पे कैश आएगा, कैश भी आ सकता है, या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट भी यहाँ भी लिखा जा सकता है. अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल विड्रॉ कर रहा है डैट मीन्स ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था. दे आर टू काइंड्स ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेन प्रॉफिट. नाउ इसके अलावा अगर कोई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो यहां लिखेंगे, इसी में बेटा लिखना है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रही है तो भी इधर लिखेंगे, किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो भी बेटा इधर लिखेंगे. और अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला है तो वो भी हम इधर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा प्रॉफिट. अब प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वैसे. और अगर यहां की बात करते हैं तो यहां पे अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है तो यहां पे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट. ड्राइंग हियर मींस ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट. Then we will write over here. अगर interest on drawing charge हुआ है partners की क्या उस drawing के ऊपर तो we will write here. Interest on drawing यहाँ लिखेंगे. और अगर profit loss appropriation account में loss हुआ है तो हम यहाँ बेटा हम लिखेंगे यहाँ बेटा profit and loss account है. कोई भी आपको loss हुआ है partners को we will write over here. ना इसको हमने क्लोज किया, ये टोटल आया जो ये बेटा टोटल आया हम यहां लिखेंगे. उसमें से ये जितना भी है डेबिट साइड गिवन है वो सारा माइनस करने के बाद जो आया बेटा दैट इज कॉल्ड बैलेंस कैरी डाउन. सो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर. सिमिलरली बी का टोटल किया, बी का टोटल जो भी आया यहां लिखा, उसमें से जो भी डेबिट साइड दिया हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद यहां लिखेंगे दिस विल बी बीज बैलेंस कैरी डाउन डेट मीन उसकी बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये हुआ जिस डेट को हम ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस डेट को पार्टनर्स की कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बेटा क्या है. ना स्टूडेंट लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कैपिटल अकाउंट. बिफोर मेकिंग कैपिटल अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन ए एंड बी आर द पार्टनर्स with capital 60,000 and 20,000
on 1st April 2019, net profit before giving effect to the partnership deed for the year ended 31st March 2020 was 24,000. Profit aapko given hai, 24,000 given aapko. The partnership deed provides the following: B to get salary 6,000 per annum. B ko salary mil, sirf B ko salary milegi is case mein 6,000 per annum. Interest on capital hai, that is allowed 6% per annum. Ye dono partners ko milega. Interest on drawing is to be charged at 5% per annum. Drawing of A and B were 6,000 4,000 respectively. A ki drawing 6,000 aur B ki drawing 4,000 hai. Aur aage aapko sentence likha hua hai, and interest on drawing for A and B being 200 and 100. So is question ke andar main already, dekho question ke andar aapko interest on drawing given hai. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% गिवन है, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ऑलरेडी पहले से अमाउंट भी गिवन है. और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी गिवन है, तो सीधा आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो अमाउंट है वो लोगे. इस क्वेश्चन में इसका आपको यूज नहीं है. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को मिलेगी कितनी, 6% मिलेगी. बी को बेटा सैलरी मिलनी है 6,000 पर एनम मिलनी है. आपको लिखा हुआ नीचे शो हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स इफ दे आर फिक्स्ड इफ दे आर फ्लक्चुएटिंग. नाउ सबसे पहले आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और फिर आपको दोनों इस केस में दोनों कैपिटल अकाउंट्स बना के दिखाने हैं. लेकिन नॉर्मली आपको क्वेश्चन में जो आगे हम चैप्टर्स भी करेंगे, इधर आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर मान लो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता तो आप किस तरह से कैलकुलेशन को शो करोगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो हम किस तरह से शो करेंगे. लेकिन दोनों कैपिटल अकाउंट्स बनाने से पहले जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कॉमन है, वो एज इट इज सबके लिए सेम बनेगा. लेट्स मेक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट ऑलरेडी पहले से गिवन था, डेट वॉज 24,000. तो यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में बेटा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज गिवन 24,000. नाउ बी को सैलरी मिल रही है तो यू विल राइट बी इज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में सैलरी लिख दो. तो बी को कितनी सैलरी मिल रही है, 6,000 पर एनम है. सिंस वो पर एनम है तो हमने एज इट इज लिख दिया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलेगा तो यहां पे लिखोगे ए इज कैपिटल अकाउंट, एंड बी इज कैपिटल अकाउंट. ए की जो कैपिटल है दैट इज 60,000 का 6% निकालो, 60,000 का 6% आपने निकाला तो 3,600 आया. और बी की जो कैपिटल दैट इज 20,000 का 6% निकालोगे तो आपको 1200 मिलेगा. ये आप अमाउंट बेटा कैलकुलेट पहले भी करके रख सकते हो सो डैट आपसे मिस्टेक ना हो. इन दोनों को हमने टोटल किया तो डैट इज 4800. फर्दर यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए इज कैपिटल अकाउंट. आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन था 200, हमने यहां लिख दिया. बीस कैपिटल अकाउंट 100 है बेटा, हमने यहाँ लिख दिया. इन दोनों को हमने टोटल किया तो आ गया 300. ना फिलहाल क्वेश्चन में जो गिवन था हमने उसको फिल कर दिया. प्रॉफिट गिवन था हमने वो लिख दिया, सैलरी थी हमने वो दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमने वो लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था हमने वो लिख दिया. ना इसको आप क्लोज करो, इसका टोटल किया डैट इज 24,300. वही अमाउंट हमने यहाँ लिखा 24,300, इसमें से 10,800 जो गिवन है बेटा माइनस कर दो तो प्रॉफिट बचा 13,500. ये 13,500 प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में. सो विल राइट ए इज कैपिटल अकाउंट, एंड बी इज कैपिटल अकाउंट. क्लियर? तो ए को कितना मिला बेटा, ए का अमाउंट कितना था? अच्छा रेशियो
इस केस के अंदर रेशियो तो गिवन ही नहीं है, अगर रेशियो ना गिवन हो तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, दैट मीन्स 13500 को 13500 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1/2 1/2, तो आंसर आया 6750 6750। नाउ मैं इस केस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूं, मैं वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, सिंस अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर होगा उनके करंट अकाउंट में। सिंस उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो याद रखना, जब अमाउंट हम फिक्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, करंट अकाउंट में लिखते हैं, तो कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते बेटा, उसमें करंट अकाउंट लिखते हैं। ये मैं आपको एक पहले भी समझा चुका हूं, एक क्वेश्चन किया था मैंने पीछे, उसमें आपको समझा था। अब मैं लास्ट में बेटा कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी लिख रहा हूं, और वो क्यों लिख रहा हूं बेटा, मैं आपको अभी मैंने आपको समझाया, और सिमिलरली यहां भी बेटा इसको मैं यहां लिख देता हूं करंट अकाउंट। उसका रीजन ये है कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा तब तो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट में जब अमाउंट लिखना होता है, इन दैट केस वी डोंट राइट कैपिटल अकाउंट डैश, इन दैट केस वी राइट बी इज करंट अकाउंट, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, ए इज करंट अकाउंट एंड बी इज करंट अकाउंट, क्योंकि अमाउंट हम लिखेंगे करंट अकाउंट में लिखेंगे। नाउ ये मैंने बनाया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिलहाल मैंने दोनों कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने कॉमन ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। नाउ स्टूडेंट लेट्स मेक फिक्स कैपिटल अकाउंट। इन फिक्स कैपिटल अकाउंट एज आई टोल्ड यू दो अकाउंट्स बनेंगे, कैपिटल अकाउंट बनेगा और करंट अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले बड़ा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, इसके अंदर जितना पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, सिर्फ वही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, अच्छा बाय लिखो टू लिखो, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपको बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन एक ही जो, अच्छा एक बात और है, जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ तो दोनों का कंबाइन बना रहा हूँ, ए और बी, इधर भी ए और बी, इधर भी बेटा दोनों को कंबाइन बना रहा हूँ। तो इस केस में ए की जो इन्वेस्टमेंट है, ए की जो कैपिटल है, डेट इज 60,000, तो ए की कैपिटल मैं ए में लिखूंगा, और बी की जो कैपिटल है डेट इज 20,000 वो बी में लिखूंगा। इस क्वेश्चन के अंदर ना तो किसी पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ना और इन्वेस्टमेंट की है, ना ही किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ किया है, डेट मीन्स ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, इसको हम एज इट इज क्लोज कर देंगे। ये 60,000 एंड दिस इज 20,000, इसको हमने क्लोज किया बेटा 60,000 एंड दिस इज 20,000, ऊपर बैलेंस नहीं है तो इसी को हम आगे कंटिन्यू कर देंगे, 60,000 20,000 एंड दिस इज बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये उनकी क्या बेटा अमाउंट्स हैं, ये उनके क्लोजिंग अमाउंट्स हैं, क्लोजिंग कैपिटल है। अब ब्रॉड डाउन के आगे जो डेट आएगी वो हमेशा साल के बिगनिंग की आएगी, ऑब्वियस है, इन द बिगनिंग ऑफ द ओपनिंग कैपिटल मीन्स दिस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल मीन्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर व्हाट द पार्टनर्स हैज इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे जो डेट आएगी दैट इज 2019 फर्स्ट अप्रैल आएगी, और ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो यहाँ पे जो डेट आएगी 2020 डेट आएगी बेटा 31st मार्च आएगी। दैट मीन साल के शुरुआत में ए की कैपिटल 60,000 थी, और साल के एंड में भी उसकी कैपिटल 60,000 है क्योंकि नो चेंज इन कैपिटल, और बी की कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज 20,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इट रिमेन द सेम 20,000 सिंस देयर इज नो चेंज इन कैपिटल। नाउ करंट अकाउंट की बारी है, करंट अकाउंट में भी सिंस करंट अकाउंट का हमें किसी तरह से कोई भी ओपनिंग या यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नहीं देखा तो उसको नहीं लिखेंगे। करंट अकाउंट में जितनी भी ट्रांजेक्शन जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी है हम यहां ट्रांसफर करेंगे। अगर आप देख सकते हो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था दोनों पार्टनर्स को, और बी को क्या मिली थी बेटा सैलरी मिली थी, तो सबसे पहले हम यहां पे सैलरी लिख रहे हैं जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी मैंने बनाया था। सैलरी सिर्फ बी को मिल रही थी तो अमाउंट सिर्फ बी में रिकॉर्ड होगा, दैट इज 6,000। जिस पार्टनर को मिलेगी उसी के अकाउंट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो दोनों पार्टनर्स को मिल रहा था, ए को कितना मिला था 3600 वी विल राइट ओवर हियर, और बी को कितना मिला
1200 यहाँ पे बेटा हमने रिकॉर्ड कर दिया। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था, दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट भी हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। मैंने अभी आपको एक स्पेसिमेन बनाया था अभी फिक्स कैपिटल अकाउंट में, उसमें देख सकते हो कि क्या क्या आता है, मैंने आपको समझाया बड़ा लिखा है यहाँ पे, और 6750 मैंने अमाउंट यहाँ भी लिख दिया। नाउ इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, आप डेबिट साइड आ जाओ। डेबिट साइड में ड्राइंग गिवन है, जो ड्राइंग है वो ए की भी गिवन है और बी की भी गिवन है। ए की ड्राइंग कितनी गिवन है 6000, और बी जो बी की ड्राइंग है डेट इज गिवन 4000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ था, तो यहां पे लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए में अमाउंट था 200 और बी में अमाउंट कितना था बड़ा 100। जो प्रॉफिट लॉस के एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड था वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है, और जो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड था वो यहाँ पे बेटा डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, एकदम क्रॉस चल जाएगा, वो आप जानते हो लेजर में हमेशा हम क्रॉस कर देते हैं ना। इसको और तो कुछ है ही नहीं, इसको क्लोज करो। सबसे पहले ए का टोटल देखो बेटा, ए में कितना अमाउंट है 3600 and 6750, टोटल किया तो आंसर आया 10,350, यही अमाउंट मैं यहाँ लिखूंगा 10,350। इस 10,350 में से 6,200 बेटा क्या करूंगा माइनस, तो मेरे पास आया 4,150। दिस इज व्हाट बैलेंस कैरेड डाउन, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, कैसे आई इन दोनों माइनस करके आई, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। सिमिलरली मैं बी को बेटा टोटल करूंगा, बी का अमाउंट, बी का मैंने टोटल किया तो कितना आया 13,950। जो अमाउंट बेटा तीनों का आया मैं यहाँ पे लिखूंगा 13,950, इसमें से 4,100 क्या कर दो माइनस, सो 9,850। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बी। नाउ जहाँ तक डेट्स की बात है, सिंस ये सारे अमाउंट्स, ये अमाउंट्स जो है पार्टनर्स को एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेंगे, तो यहाँ पे 2020 तीनों बेटा हर एक में डेट क्या आएगी 31 मार्च और इधर भी डेट्स क्या आएंगे बेटा 2020, 31 मार्च and 31 मार्च। वैसे क्वेश्चन में आपको डेट्स अभी लिखनी है अगर क्वेश्चन में लिखी हो, अदरवाइज जरूरत नहीं होती है। दिस इज फिक्स कैपिटल अकाउंट जिसमें कैपिटल अकाउंट भी बना और हमने करंट अकाउंट भी बनाया। नाउ वील मेक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, उसमें एक ही अकाउंट होता है और दोनों का बड़ा कॉम्बिनेशन उसमें रिकॉर्ड होता है। ये कैपिटल का ब्रॉड डाउन भी रिकॉर्ड उसी में होगा और ये सारी ट्रांजैक्शन भी एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। नाउ दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। नाउ लेट अस ज्यूम कि क्वेश्चन में अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पूछा जाता है तो हम किस तरह से बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो मैंने आपको बताया था, दोनों के लिए बड़ा कॉमन है, वही चलेगा। नाउ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन, नाउ स्टूडेंट दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, दिस इज फॉर बी, दिस वन इज फॉर ए, दिस वन इज फॉर बी, डेट पर्टिकुलर ए बी। नाउ सबसे पहले मैंने आपको बताया बेटा, सबसे पहले लिखना आपको लिखना है बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो ए की जो कैपिटल थी वो आपको गिवन है 60,000, और बी की जो कैपिटल आपको गिवन है डेट इज 20,000। नाउ इसके अंदर बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स जो अभी अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो मैंने बनाई थी वो सारी की सारी फ्लक्चुएटिंग में आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन ए की बनते कंबाइन बनता है, तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी को सिर्फ सैलरी मिली थी, तो विल राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बेटा 3600 और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेट इज 1200, तो ए का अमाउंट ए में, बी का अमाउंट बी में, सैलरी जो सैलरी मिली है वो सिर्फ बी को मिली है तो बी के अकाउंट में लिखेंगे 6000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ था, पी मींस प्रॉफिट बेटा,
वो दोनों पार्टनर्स को हुआ था, तो यहाँ पे लिखो 6750, 6750, यहाँ पे ड्राइंग है, ए की ड्राइंग कितनी गिवन 6000 और बी की गिवन है बेटा 4000, दोनों की हमने ड्राइंग लिख दी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, सो विल राइट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 200 और बी की कितनी गिवन है 100 गिवन है, इसके अलावा और कुछ नहीं गिवन, तो इसको क्लोज कर दो। इसको क्लोज किया तो अमाउंट कितना है बेटा 70,350। यहां पे हमने लिखा 70,350, इस 70,350 में से 6200 क्या कर दो माइनस, दिस इज 64,150 एंड दिस इज बैलेंस कैरिड डाउन, दैट मींस क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए। सिमिलरली बी को आपने क्लोज करना है, बी का टोटल किया, बी का जब हमने टोटल किया अमाउंट आया 33,950, उसमें से ये अमाउंट 4100 बेटा माइनस कर दो तो 29,850, ये हमारा आंसर आया, बी का आया, बी का बैलेंस कैरी डाउन है, डेट में बी की क्लोजिंग कैपिटल है। नाउ डेट्स की अगर बात करें, मैंने बताया क्वेश्चन में डेट्स गिवन हो तो भी आपने लिखना है। ब्रॉड डाउन की बात करें, ब्रॉड डाउन मीन्स जो उसकी ओपनिंग कैपिटल, ए और बी की ओपनिंग कैपिटल है, तो उसके लिए यहाँ पे आएगा बेटा 2019 और डेट आएगी 1 अप्रैल, जो 1 अप्रैल को ए और बी की इन्वेस्टमेंट थी, ये पैसा उन्हें साल के एंड में मिला, तो 2020। इसके आगे भी डेट आएगी 31 मार्च, इसके आगे भी 31 मार्च, इसके आगे भी 31 मार्च। ड्राइंग हम ये ज़ूम करें बेटा कब की है, 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कब हुआ 31 मार्च, और ये जो क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हुआ ये भी कब मिला उसको, ये क्लोजिंग कैपिटल है, डेट मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर, डेट इज ऑल्सो ऑन 31 मार्च। ये डेट्स आप साथ साथ भी लिख लिया करो, साथ साथ में लिख सकते हो बेटा आप लोग। तो मेरा जो फोकस था डेट वॉज ऑन दिस टॉपिक, तो मैंने डेट्स लास्ट में लिख दी है, लेकिन दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो पिछला मैंने बताया था वो फिक्स कैपिटल अकाउंट था, जिसके अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनते हैं, दोनों अलग अलग बनते हैं, कैपिटल अकाउंट को अलग लिखते हैं और बाकी ट्रांजेक्शन को अलग लिखते हैं। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर एक ही बनता है और सारी के सारी ट्रांजेक्शन्स को क्लब करके हम एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं।